आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया। सरिया और मोबाइल को भी बरामद कर लिया है। आरोपी राम बाबू ने हत्या करने की वजह को रुपए का लेन देन बताया है। जालौन के डकोर थाना क्षेत्र में 20 जून को रात दौर पर लाला आरोपी दिन कॉलेज में हुई युवक की हत्या से सनसनी फैल रही थी। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद मृतक की पहचान अमित कोनी निवासी रामनगर उरई के रूप में हुई थी। पुलिस अधीक्षक अमरेश प्रसाद सिंह ने पकड़ने वाली टीम को 20,000 रुपए से पुरस्कृत किया। 19/20 की रात्रि में जून महीने में एक डेड बॉडी लाला आरोपी दिन महाविद्यालय है उसके कैंपस में मिली थी। ये घटना 19/20 की रात की थी और दूसरे दिन सुबह में जब डेड बॉडी मिली तो उसके सर पे चोट के निशान थे और बाद में उसकी शिनाख्त उरई के अमित सोनी के रूप में हुई। घटनास्थल से हम लोगों को कुछ फैक्ट्स मिले थे जिसमें कि एक नोट भी था। उस नोट में कुछ तथ्य लिखे हुए थे जिससे ऐसा संदेह हुआ कि जो उसमें आरोपी है, जो अभियुक्त है, उसने किसी को फंसाने के लिए वो नोट स्वयं लिखा है। ऐसा आभास हुआ उसको पढ़ने से। इसकी विवेचना प्रारंभ हुई और हम लोगों ने सर्विलांस का भी सहारा लिया और विवेचना की जो आधुनिकतम तकनीक है उसकी मदद से हमारी सर्विलांस टीम और जो थाने की विवेचना हो रही है ट्रेडिशनल, वो दोनों एक ही निष्कर्ष पे पहुँचे और बहुत जल्दी हम लोगों ने अपराधी को चिन्हित कर लिया जो रामबाबू विश्वकर्मा उसका नाम है। ये रहने वाला अब चिल्ली है, थाना राठ हमीरपुर का है। ये एक ऐसा अपराधी है जो पहले भी हत्या कर चुका है और इसने आप सबको पता ही है कि सितंबर 2017 में चुड़की के नूरपुर ग्राम में एक लड़की से इसका प्रेम था तो उसने एक थर्ड पर्सन को जिसका नाम भगवान दीन था, एक बुजुर्ग आदमी अपने घर के बाहर सोया हुआ था, उसको सरिया से मार करके इसने हत्या कर दी थी। और उसके बाद जहाँ पर हत्या हुई थी वहाँ पे एक कुछ फोटोग्राफ्स मिले थे जो इसकी प्रेमिका के पिता का फोटोग्राफ था, तो उसको फंसाने के लिए कि प्रेमिका का पिता फंस जाए तो फिर हम लोग निरंकुश हो जाए, इसने किया था। उस समय भी ये पकड़ा गया था और इस बार भी जब अमित सोनी की हत्या हुई तो एक नोट मिला, तो जो मोडस ऑपरेंडी था उससे ये क्लियर था कि ये वही आदमी है। और जो नोट में नाम लिखा था उसमें इसने एक व्यक्ति का नाम लिखा था देवी दीन, ये चिली का रहने वाला है, इसका चाचा, उसको ये फंसाना चाह रहा था इसलिए उसका नाम इसने लिखा। बाद में जब दूसरे दिन इसको कोई प्रतिक्रिया दिखलाई नहीं पड़ी तो इसने एक फ़ोन से जो मृतक है अमित उसके परिवार में फ़ोन भी किया। फिर जब कॉल बैक करके उन लोगों ने फ़ोन किया तो इसने अपना नाम गलत बताया, लेकिन ये बताया कि हमने दो मुलजिमों को भागते हुए देखा था और एक झूठी कहानी उसको समझाने की कोशिश की और जो नोट में इसने लिखा हुआ था उसी को जस्टिफाई करने के लिए दोहराया कि इस तरह की बात थी, उसमें एक जो है जो इसका चाचा लगता है देवीदीन वो था और एक और था, और वादी को भ्रमित करने की कोशिश की। तो उसकी ये जो चालाकियाँ थी वो चालाकियाँ हम लोग के लिए सहायक हो गई और हम लोगों ने, हमारी टीम ने इसमें बहुत परिश्रम किया और जा करके इसको सूरत में मुलजिम को गिरफ्तार किया।